हेलो एवरीवन, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और मैं बता दूं कि मैं रिव्यू कर रही हूँ वीएलसीसी रोज वाटर टोनर वर्सेस खादी नेचुरल हर्बल स्किन टोनर रोज वाटर का। एंड ये दोनों ही हर्बल टोनर हैं, दोनों ही रोज से बने हुए हैं और दोनों ही ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट हैं। जी हाँ, दोनों ही ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये है 150 रुपए का और ये है 125 रुपए का खादी का। और इसकी जो प्रोडक्ट क्वांटिटी है जो वीएलसीसी वाला है वो है 100 ml एंड इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है 210 ml। जी हाँ, जस्ट डबल है इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी। वीएलसीसी का जो टोनर है ये पिंक टोन में आता है, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। मैं इसे आधे से ज्यादा इस्तेमाल कर चुकी हूँ। जी हाँ, आप देख पा रहे होंगे, हाफ से भी ज्यादा मैं इसे यूज कर चुकी हूँ। और रही बात इसकी, तो इसका भी यही हाल है, मैं इसको भी आधे से ज्यादा यूज कर चुकी हूँ। पैकेजिंग वाइज मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा, इसमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बचा हुआ है, कितना यूज हो गया है। एंड दोनों ही वेगन प्रोडक्ट हैं, दोनों ही क्रूएल्टी फ्री हैं, पैराबेन फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं और दोनों ही जो हैं वो बहुत अच्छे हैं स्किन के लिए। ये स्किन को कूल करता है, ये रिफ्रेश करता है, ये हाइड्रेट करता है, ये नरिश करता है, साथ ही इवन टोन करते हैं ये दोनों टोनर। और मैं इसको कैसे इस्तेमाल करती हूँ, इसे फेस वॉश में मिक्स करके और फेस पैक में मिक्स करके यूज करती हूँ। ये पिंक शेड में है, मतलब पिंकिश है इसका जो लिप कलर है। और ये जो लिप सॉरी लिप कलर नहीं, रोज वाटर। और आजकल मैं लिप कलर्स के रिव्यू कर रही हूँ, इस वजह से सब लिप कलर हो रहा है, सॉरी अबाउट दैट। ये जो रोज वाटर है ये पिंक टिंट के साथ आता है इसका, लेकिन ये है नेचुरली ट्रांसपेरेंट। एंड ये रोज वाटर इसको मैं सीधे कॉटन पर लेकर के फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ, सीधे इसको स्प्रे करती हूँ एज अ बॉडी मिस्ट। एंड मैं इसे ना अपने बालों पर भी अप्लाई करती हूँ, इससे बालों पर थोड़ा सा कम अप्लाई करती हूँ, इसे करती हूँ ज्यादा, क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट और मेरे बालों को बहुत ही ज्यादा नरिश एंड हाइड्रेट रखता है ये रोज वाटर। अगर आप इन दोनों में मुझसे पूछें तो प्राइस वाइज खादी वाला ज्यादा अच्छा है, खुशबू वाइज जो है वो दोनों ही एक दूसरे को टक्कर देते हैं, बट फिर भी खुशबू वाइज मुझे खादी वाला रोज वाटर ज्यादा अच्छा लगा। और लेकिन ये स्किन को बहुत ज्यादा रिजुविनेट करता है और ये रिवाइटलाइज करता है और ये एक्सेस ऑयल को खींचता है। इस वजह से दोनों में अगर मैं पहले सजेस्ट करूंगी तो मैं खादी का रोज वाटर सजेस्ट करूंगी। प्राइस वाइज, क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज ये ज्यादा बेटर लगा मुझे इससे। और इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि आप पहले खादी का ट्राई कीजिए, अफोर्डेबल प्लस बहुत ज्यादा क्वांटिटी। और ये वाला जो है ये थोड़ा सा 100 ml थोड़ी कम क्वांटिटी है, इसकी पैकेजिंग पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दिया गया है और इसके प्रोडक्ट पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया गया है। सो ओवरऑल ये है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। एंड ये क्या है देख लेते हैं, ये है लंदन, सिंगापुर एंड दुबई। ओके, वीएलसीसी का जो नेचुरल साइंस केयर है। सो मैं आपको पहले तो भाई खादी सजेस्ट करूंगी, पहले आप प्राइस वाइज, प्रोडक्ट की क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज खादी पर जाइए। तो इन दोनों में है ये 9, ये है 10। मैं ये नहीं कह रही ये बुरा है, ये भी मेरा फेवरेट है, लेकिन आप अगर चाहें तो आप अफोर्डेबल पे पहले जाइए, ये भी बेस्ट रिजल्ट देता है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करने हैं तो आप आई थिंक नायका से ले सकते हैं, नायका ऐप है एक, जैसे एप्लीकेशंस होती हैं फोन में, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर में जाकर के और आप कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। लॉग इन करने के बाद आप अपनी फेसबुक आईडी से लॉग इन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। और दोनों की शेल्फ लाइफ 3-3 साल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रारा एंड रारा लाइफस्टाइल। और आप मेरा अनदर चैनल लाइफ गुरु मूवीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे फेसबुक पेज पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अगर आपको देखनी हो तो प्लीज मेरे चैनल रारा पर चले जाइए एंड देख लीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।